हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग आज बाहर बैठेंगे, तो ये हमारी कड़ी है, ये टमाटर चटनी है, पराठे, मिर्ची, इधर और भी सामान, इधर चावल रखा है। सो हम लोग अब खाना खा रहे हैं। क्या पहले साल आए थे ना, तब हम लोग तो यही बस बाहर ही बैठ के सब करते थे। अधिकतर हम लोग बाहर खाना बैठ के सब कुछ सारी करते हैं। इसकी प्लेटिंग भाई पति देव को देना है, थोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा ना, नहीं तो बोलेंगे कि पत्नी को कैसी डील लाया हूँ मैं, उसको अच्छे से परोसते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज, मैं हूँ प्रणाली और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। आज का जो व्लॉग है, आज का व्लॉग रहने वाला है घर का। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अरे यार, इसको भी अभी आना है। हाँ, सो आज का व्लॉग रहेगा सिर्फ घर का। मैं जा रहा हूँ जिम, प्रणु कहीं घूमने नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि प्रणु को करना है प्रिपरेशन और हम कहीं जाने वाले हैं लंबा, लंबा। यार, हम लोग बाहर जाने वाले हैं, जो आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। तो हमें प्रिपरेशन भी करनी है बहुत सारी, हमें नहीं करनी है, इसे करनी है। तो कपड़े तो इतने सारे धोना है ना, मैं क्या बताऊं। कपड़े भी धोना है और क्या क्या करना है? कपड़े धोना है, पैकिंग करना है और जो चीजें अपने को जरूरत होगी वो लेकर आना है। दो दिन का नहीं रहेगा, वो रहेगा 5-6-7 दिन का टूर है। मजा आने वाला है, आपको कुछ स्पेशल दिखने वाला है। मेरे बाल देखो कितने सफेद हो गए। तो आप साथ में बनाए रहना, मेरे को जिम के लिए टाइम हो रहा है। आप प्रणु कंटिन्यू। तो जी बड़ा मजा आने वाला है, आप लोग भी देखोगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी इनको जाने देते हैं, मैं भी पूरे घर वर के काम वाम करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखो हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी खड़ी है। बाय। गाड़ी से जाओ ना, कार से, कार से जाओ ना जिम। मैं भी आ गया था घर। इधर चल रही है मिक्सी चल रही है, वॉशिंग मशीन, और इधर बन रही है टमाटर की चटनी। बहुत दिनों बाद खा रहे हैं टमाटर, है ना? बहुत दिनों बाद खा रहे हैं और बहुत दिनों बाद मेरी बीवी घर में खाना भी बना रही है, नहीं तो मेरी बीवी खाना नहीं बनाती है। और आज की एक लेटेस्ट न्यूज ये है कि सारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गया है हमारे आमले के, और मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और कल ही हमने हमारी कार में फुल टैंक करवाया है, तो हमको इतना टेंशन नहीं। कल हम लोग ने करवा लिया तो हमको इतना टेंशन नहीं हुआ, मगर बाइक में नहीं है और बाइक में टेंशन हो सकता है। तो मेरे को आज वैसे भी ऑफिस नहीं जाना है, तो ऑफिस का टेंशन नहीं है, कल जाना है। तो कल तक तो थोड़ा बहुत तो इतना है कि मैं पैदल जा करके आ सकता हूँ, इतना कोई इशू नहीं है। तो पैदल चल जाओगे आप? तो ले जाऊंगा, जाता ही हूँ, गया ही हूँ। एक बार का किस्सा बता देता हूँ मैं आपके साथ में, क्या हुआ था कि मेरे पास गाड़ी मेरी खराब हो गई थी, वापस आ रहा था। तो उस समय मेरे को मेरा एक फॉलोअर मिल गया और वो मेरे को लेके भी आ गया था। तो हमारे फॉलोवर हमको जानते हैं और वो यानी मैं उन्हें नहीं जानता था, मगर वो मुझे जानते थे और वो लेके भी आ गए। मैं पैदल पैदल आ रहा था तो बड़ा मजा आया मेरे को, बड़ा मजा आया। जोर के बोलने की जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा जल्दी 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 बोलना पड़ता है ना। तो उतर तो मजबूत, तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल कम करो। आपके बोलने से कम हो जाएगा? हो जाएगा। तो गाइस आज मैं याली मिर्ची निकाल रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे तोते उड़ने वाले हैं इसको खाने। अब जाके बना रही है क्या? हाँ। बनली बना रही है, अभी तक नहीं डाली तूने? नहीं अभी तक, तो ये थी ना जो इसमें ऑलरेडी थी वो। अच्छा ठीक है, जो हमने लाई है आज ओ, पहली बार ये? ये? नहीं वो भी अभी वही वाला है, पुराना पुराना ही वाला है अभी। ठीक है। अरे अरे अपन ने इतनी सी मिर्ची पिसवाई थी क्या? ठीक है ना, तो इसलिए बेचारा वो बोल रहा था उसकी गलती नहीं थी। ओए हम इतनी सी मिर्ची नहीं पीसते, तो क्या करें अब, हम जितनी है हमारे पास तो अब जितना हम उतने में काम चलाएंगे ना। अरे बहुत सारी थी, ऐसा नहीं है, ज्यादा कहाँ चलाएंगे हम। तेरी मम्मी लेके गई ना, थी तेरी मम्मी एक पन्नी भर लेके गई। बापरे बिचारी का, तो ले गई तो बिचारी का क्या, क्या है? तेरी मम्मी के हर समय बिचारी छे क्या? बस उनकी इधर नहीं मिलती है ना, तो उनकी इधर नहीं मिलती, इसका मतलब है पन्नी भर के ले जा लो। पन्नी भर के ले गई मेरी सास मेरी मिर्ची, मेरी सास सुन देख रही है तो वापस करो मिर्ची। ये मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे सब यही है। चल भाग। हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग आज बाहर बैठेंगे, तो ये हमारी कड़ी है, ये टमाटर चटनी है, पराठे, मिर्ची, इधर और भी सामान, इधर चावल रखा है।
सो हम लोग अब खाना खा रहे हैं। क्या अधिकतर हम लोग बाहर खाना बैठ के सब कुछ सारी बाहर बैठ के करते थे। चलो अब खाना खा लेते। बहुत दिनों से अपन ने चूल्हे पे भी कुछ नहीं बनाया। अभी अपन वहाँ से आ जाते हैं, फिर अपन बनाएंगे। कहीं हम लोग जाने वाले, जैसे कि हमने आपको बताया था। अच्छी बनी, ठीक, थैंक यू। सो गाइज, अब जाके मैं आ रही हूँ कपड़े वगैरह डालने के लिए। मतलब ना मैंने नहाया वगैरह और फिर मैं भूल गई कि मैंने कपड़े मशीन में ड्रायर करने के लिए, ड्राई करने के लिए डाले हैं, तो भूल गई थी मैं। तो अभी जाकर मैं यहाँ पर सुखाने आई हूँ। 2 बाल्टी कपड़े मैंने अभी सुखाए हैं, अभी शाम के बज गए हैं 5। अभी सूखने तो शायद वैसे सूख जाएंगे, क्योंकि इसको हल्की सी ऐसी हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्रायर में तो बहुत ऑलमोस्ट ड्रायर हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे और मेरे हस्बैंड सो गए थे तो उनको भी उठाते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं। तो गाइज, शाम हो चुकी है और खाने वाने का ये सीन है कि टमाटर की चटनी ऑलरेडी है, तो वो मेरे हस्बैंड खाएंगे। मैं तो खाती नहीं हूँ शाम को, मतलब ऐसा भी होता है कि कभी कभी खा लेती हूँ अगर मैंने दिन में खाया नहीं होता है तो। लेकिन आज हम लोगों ने दिन में खाना खाया है तो मैं शाम को नहीं खा रही हूँ। और अभी ऐसी छोटी मोटी भूख लगी है तो उसके लिए मैंने बना लिया है स्नैक में ये ढोकला, तो इसको खाएंगे हम लोग अभी। और अभी पानी भी मैंने बना लिया है उसका, इसमें बिल्कुल राई डालना ही पड़ता है, राई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन राई हमारे पास है नहीं तो मैंने सिर्फ कड़ी पत्ता हरी मिर्ची से बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रुको, देखिए ये है ढोकला जो कि मैंने इंस्टेंट वाला बनाया है प्रीमिक्स से, और ये है उसका पानी। इसके अंदर यार वो नहीं है, राई नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगेगा वैसे भी। और बिना शक्कर और बिना राई के बन रहा है। इसमें मैंने नींबू का रस डाला है और बहुत सारी चीज़ें डाली है, कभी आप लोग बोलोगे तो रेसिपी शेयर करूंगी। और मैंने शायद की भी है किसी व्लॉग में, लेकिन फिर से कर दूंगी। तो चलिए अब हम लोग ये खा लेते हैं और मैं इनसे पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो देखिए, अब मैं इसके ऊपर डालने जा रही हूँ पानी। इधर इधर देखो, थोड़ा सा ना ये सूखा सूखा नीचे से मिक्स नहीं किया होगा तो रह गया है, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से पक चुका है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। दोस्तों, किस किस को ढोकला पसंद है कमेंट में बताना। अच्छा, आप लोगों का फेवरेट नाश्ता कौन सा है? आप स्नैक टाइम पे क्या खाते हो? कुछ हेल्दी ऑप्शंस आपके पास होंगे तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। भाई पति देव को देना है, थोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा ना, नहीं तो बोलेंगे कि पत्नी को कैसी बीवी लाया हूं मैं, उसको अच्छे से परोसते भी नहीं आता है। अब लग रहा है भाई ढोकला। तो चलो देख कर आते हैं और इनसे रिव्यू भी लेते हैं। हाय, हेलो, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आपका चेहरा दिख रहा है अच्छे से। लो खाके बताओ। ये क्या सुबह का नाश्ता अभी खिला रही है यार? सुबह का नाश्ता मैंने अभी बनाया है यार। ये सुबह का नाश्ता मेरे से सुबह मिलता है तो अभी। हाँ चलो खाके बताओ। नहीं खा रही तो मेरे को भी खाके बताओ, मगर मैं तो खाना खाऊंगा तभी खाऊंगा। अरे यार बेटा ऐसे मत करो, कम से कम थोड़ा एक और तो खाके बताओ। मैं सही में आप आज के बाद कुछ नहीं बनाऊंगी मैं आपके लिए। मेरे लिए नहीं बनाया तूने? नहीं, ये बहुत गलत बात है यार। बनाती तो रोटी सब्जी चावल ही बनाती, तूने अपने लिए बनाया है। नहीं खाना है क्या? मैं उठा के ले जाऊंगी, मैं वापस कभी नहीं ला कर दूंगी, याद रखना। मैं खुद ले लूंगा, मगर मेरे को पहले खाना चाहिए ना, फिर पेट भर जाए खाना कैसे खाऊंगा मैं। अरे तो एक कौर में पेट भर रहा है या नहीं बनाया है? नहीं, ऑलरेडी चटनी रोटी सब है, चावल है, क्या बनाना है फिर? चटनी रोटी है उसमें रखी, कितनी जितनी है उतनी खा लो अब, और क्या करूं मैं। चल ठीक है, आप ही समझ लो मुझे सुबह से कितने काम होते हैं यार, बैक टू बैक मेरे को काम ही काम है। कोई दोहमत वाली बात रहती नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि कौन सा तू हाथ से बना। हाँ तो दोस्तों, ये बस पैकेट अपने आप घर में आता है, अपने आप कुकर में भी चले जाता है, अपने आप बन के उसमें पानी भी डल जाता है, करने की जरूरत ही क्या पड़ती है। हाँ, है ना। हाँ। रहने दो, इस आदमी से नहीं बात करना मुझे। तो किससे बात करना, छोड़ो, रहने दो। गुड मॉर्निंग पीपल्स,
तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह सुबह हो गई है, ये नेक्स्ट डे हो चुका है और देखिए बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल उजाला हुआ ही नहीं है, अभी रोशनी कुछ हुई नहीं है। मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है तो इसलिए मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। अभी जल्दी आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या है वो चीज़ें। तो मज़ा आ रहा है, ठंड बहुत है, बहुत ठंड लग रही है। तो गाइस अभी सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि पेट्रोल की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। पेट्रोल की शायद हड़ताल चल रही है ना, तो उस वजह से पेट्रोल मिल नहीं रहा है। पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़े हैं लोग और सुबह सुबह से ही आ जाते हैं शायद। तो आज जल्दी उठ गए हैं ये और पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि हमें कल कहीं ऑलरेडी जाना है, तो सिर्फ आज का प्रॉब्लम है। देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है अभी। ऑल द बेस्ट। मैं पेट्रोल भरा कर आ गया, मगर कोई भीड़ नहीं थी, इतना नॉर्मल था कि जिसकी हवा बना के रखा था, मगर कई जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ है, मगर हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं गई। और कल तक के कम का मिल रहा था तो मैंने तो आज 1000 रुपए का डलवा के आ गया, क्योंकि अकेला था, कोई टेंशन नहीं। वो सब मेरे को भी ध्यान नहीं कितना लीटर आया, वो 4-5 लीटर। 1000 में 4-5 लीटर? तो कितने का इंजन? कितने रुपए लीटर है? नहीं 4-5 लीटर नहीं, 7-8 लीटर आया होगा, मेरे को याद नहीं, अब टोटल करना पड़ेगा। 100 रुपए लीटर भी है अगर, 109 रुपए 9 लीटर, 9 लीटर आया होगा, 8 लीटर कुछ पॉइंट आया होगा, 8 लीटर कुछ पॉइंट है ना, 9 लीटर के समथिंग आया है। तो आ गया था मैं, उसके बाद में मैंने अपना सब तैयार व्यार हुआ और फिर हम कर रही है प्रैक्टिस। हम लोग कहीं जा रहे हैं, पूरा पसीना पसीना हो चुकी है। तो जब से मैं आया हूँ अभी हो गया होगा इसको 1.5 घंटे प्रैक्टिस करते हो गया होगा, 1.5-2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा, 1.5 घंटा, इसलिए क्योंकि आधा घंटे बीच में आके मेरे पास आती है, फिर ऐसा करना है वैसा करना है, फिर मैं भगाता हूँ, चल निकल यहाँ से, फिर जा करके मैं राय लेती हूँ ना इनसे। चल मैं जा रहा हूँ, चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर दो। सो इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं और आप लोग को बहुत जल्दी कुछ स्पेशल सा दिख सकता है, पता नहीं यार, मतलब हमें भी कंफर्म नहीं है गाइस, कंफर्म नहीं है, बट हम लोग प्रे कर रहे हैं और आप लोग भी प्रे करो कि जो भी काम हम लोग करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है और बहुत हमें जरूरत है अभी आपके ब्लेसिंग्स की। तो अगर आप लोग हमारे लिए प्रे करोगे तो आपकी प्रणाली और आपके धीरज, आपको धीरज तो कहाँ, प्रणाली है, धीरज ही तो मेन है, यही तो है मेरे पिलर। तो प्रणाली और धीरज आपको कहीं अच्छी जगह पर दिखेंगे, तो प्लीज आप लोग हमारे लिए प्रे करना और मेरी हालत और इनकी हालत को इग्नोर करना, क्योंकि अभी हम लोग वाले स्टेज में है कि बस मेहनत करने वाला स्टेज है। सो मैं आज जाकर के हो सकता है कि थोड़ा कम वम भी दाढ़ी कर लूं, क्योंकि अच्छी जगह पर जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ऑल्सो फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, उम्मा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।